प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैम एंड रोम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम के फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का हमारा फर्स्ट पॉइंट है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकंड पॉइंट है हमारा रैम में रैम डेटा इज वोलाटाइल। रैम का डेटा वोलाटाइल होता है। यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब ये है कि आप रैम में कुछ काम कर रहे हो, सिस्टम में अचानक आपका सिस्टम बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय आपका डेटा इरेज हो जाएगा, आप डेटा को वापस नहीं ला सकते, उसी को हम वोलाटाइल कहते हैं। रोम डेटा इज परमानेंट। रोम का जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, इसमें चाहे आपका सिस्टम का पावर चल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका डेटा परमानेंट रहता है। हमारा रैम का थर्ड पॉइंट है रैम डेटा कैन बी मॉडिफाइड। जो भी रैम का डेटा होता है उसे हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसमें हम कुछ राइट कर सकते हैं, फिर से इरेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहें आप इस डेटा के साथ कर सकते हैं। लेकिन रोम में क्या होता है, डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रोम के डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा कि इसके नाम में ही बोला गया है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है रैम में सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। सीपीयू क्या करता है, रैम का जो भी डेटा होता है उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन रोम का जो डेटा होता है, डेटा टू बी कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डेटा। रोम के डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले उसे आप रोम से कॉपी कर दीजिए रैम में, उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को रैम से एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता सीपीयू रोम के डेटा को। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रैम का, रैम इज फास्टर मेमोरी। रैम एक फास्टर मेमोरी होता है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है। रोम इज स्लोअर देन रैम। हमारा जो रोम होता है वो रैम के अपेक्षा काफ़ी स्लो होता है और ये धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पे रैम फास्ट इसलिए होता है क्योंकि रैम का साइज ज़्यादा होता है रोम की अपेक्षा, और जितना ज़्यादा रैम का साइज होगा आपका सिस्टम उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा, और रोम का साइज कम होता है इसलिए ये स्लो काम करता है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव। रैम बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और रोम इज़ चीपर देन रैम। रोम हमारा रैम की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होता है क्योंकि ये स्लो काम करता है और ये स्मॉल साइज होता है, लेकिन आप जितने ज़्यादा साइज के रैम को खरीदने जाओगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। यहाँ पे टाइप्स लिखा हुआ है, रैम हमारा टू टाइप्स का होता है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, और इसी तरह से हमारा रोम भी टू टाइप का होता है, प्रोग्रामेबल रैम, प्रोग्रामेबल रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।